राधे राधे। आशा करता हूँ पिछला सप्ताह आप सभी जातकों के लिए अच्छा रहा होगा। कृष्ण जन्माष्टमी, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, ये भी हमारे पिछले सप्ताह में थे। हो सक आपने भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की होगी, उनको मनाया होगा। आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे, इसी आशा के साथ हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह के बारे में। आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के लिए कैसा रहेगा, बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के स्वामी गुरु शुभ रत्न है पुखराज, शुभ रुद्राक्ष है पाँचमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर पूर्व की दिशा। इस सप्ताह भाग्य और समय आपके अनुकूल है, कारोबार में भी इजाफा होगा, ऑफिस में आपके सहकर्मियों और सीनियर्स आपके कार्य से खुश रहेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। इस सप्ताह आपको थोड़ा भागदौड़ बड़ा सप्ताह रह सकता है, छात्रों को भी इस सप्ताह सरलता से आसानी से सफलता भी प्राप्त होगी, परीक्षा के नतीजे आपके पक्ष में होंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप इस सप्ताह रोमांटिक मूड में रहेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और भी मधुर होंगे, परिवार से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह सामान्य सप्ताह है, आपको अपनी सेहत पर ध्यान रखना है, बच्चों और पिताजी की सेहत का भी ध्यान रखना है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक अबव एवरेज सप्ताह है, सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं जानते हैं कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए कि माता दुर्गा की आराधना कर भोग लगा कर आशीर्वाद लेना हमेशा लाभकारी रहेगा। मुर्गे को दान देना, साधु या पंडितों को वस्त्रों का दान देना भी इस राशि के जातकों के लिए शुभकारी रहेगा। मंदिर में घी आलू कपूर का दान करना भी इस राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। आपको गैर शाकाहारी भोजन और अल्कोहल से दूर रहना है। धार्मिक स्थल पर आपको बादाम और माथे पर आपको केसरिया तिलक लगाना शुभकारी रहेगा। सोने के आभूषणों को धारण करना राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। पीला चंदन लगाना, बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहनना, वृद्धों और अनाथालयों में केले और मिठाई का दान करना, मंदिर में हल्दी का दान करना, घी का दीपक जलाकर बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना और किसी भी नए काम को करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना इस राशि के जातकों के लिए आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने के लिए मददगार साबित होंगे। तो ये था इस सप्ताह आने वाले सप्ताह का राशिफल, कुछ उपाय जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने के लिए। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि यदि ये आप सारे उपाय ना भी कर पाए, बट आप अपने आचार और विचार में यदि एक तालमेल लेके आए कि आप हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा कार्य करें, तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है जो हमेशा ये आने वाला सप्ताह ही नहीं, लाइफ के जितने भी सप्ताह आपके आगे हैं उन सभी सप्ताहों को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। आपको चाहिए कि जरूरतमंदों की सेवा करें, उनका साथ दें, झूठ से बचें, सात्विक बने, शाकाहारी भोजन करें, मांस मदिरा आदि से दूर रहें, माता पिता की सेवा करना। ये चंद उपाय हैं जो हर राशि के जातकों के लिए आने वाले सभी सप्ताह और पूरे जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने के लिए मददगार साबित होंगे। इन्हीं आशा के साथ कि आप इनमें से कुछ उपाय करके अपने आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाएं। मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।